जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुँ जयंत, आपण देखुन स्माइल ओडिशा। आज हूँ 24 जनवरी रविवार। आज दिन भरी अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सब खबर गुड़िक जानवा आपण निहाती आवश्यक रही। आज देश विदेश अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। या सहित छात्र छात्री मानी बड़ खबर रही। राज्य सरकार द्वारा राज्य में अनेक नुआ नियम एवं किसी योजना कार्यकारी होगापी जाऊँ। कोरोना वैक्सीन को नहीं एक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही। या सहित राज्यर शीत खबर हो कि क्रिकेट खबर हो, समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िकपर। तेणु आपण भिडियोटी संपूर्ण देखिले आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर सहित देश विदेशर समस्त सूचना गुड़िकपर। डेली डेली यही नुआ नुआ अपडेट पाया आम चैनल को सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु, जहाँफल जब भी नुआ नुआ भिड आसव आपड़ सर्वप्रथमें देखिपारे। नंबर एक, केमिति हेब युक्त दुई परीक्षा चिंतार छात्र छात्री। युक्त दुई छात्र छात्री मानक एवं परीक्षा चिंता। क्यों ढांचार हेब परीक्षा, सिलेबस कौन रत्ते मार्क परीक्षा देवाई पड़ो, परीक्षा निज कलेज ना पिला अन्यत्र पड़ो, प्राक्टिकाल परीक्षार नियम बदल ना अपरिवर्तित रात्र छात्री एवं अभिभावक समस्त मनरे एभली प्रश्न उंकी मारुचे। कारण मैट्रिक एवं युक्त दुई उभय स्कूल और गणशिक्षा विभाग अधीन आसुचे। तेबे मैट्रिक परीक्षा परिचालना नहीं गणशिक्षा विभाग पक्षर इतिमध्ये विस्तृत गाइडलाइन जारी करा। मात्र युक्त दुई लगी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर से भली कौन घोषणा करा जाए नहीं। तेणु छात्र छात्री एवं अभिभावक मनरे उठुथिबा द्वंद्व को दूर करने दाबी उठुचे। नंबर दुई, नेताजी बस टर्मिनाल शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। कटक शिलान्यास है नेताजी बस टर्मिनाल। अत्याधुनिक बस टर्मिनाल शिलान्यास कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कहिले आंतर्जातीय स्तर रहेब कटक बस टर्मिनाल। शनिवार दिन नेताजी जयंती अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कटक जिला गस्त कर अत्याधुनिक नेताजी बस टर्मिनाल शिलान्यास कर। 11,000 वर्ग किलोमीटर में यह बस टर्मिनाल निर्माण हो। तेब ए 180 बस 275 कार रहीपर। यह प्रकल्प राज्य सरकार 65 कोटी टंका खर्च करेंगे। तेब यह बस टर्मिनाल आंतर्जातीय स्तर हो मुख्यमंत्री कहते। एठारे नेताजी जीवनी एवं आदर्श बाबदे जनाजीव। नंबर तीन, रेलवे नुआ नंबर। भारतीय रेलवे एवं समस्त हेल्पलाइन नंबर को मिसाई गोटी हेल्पलाइन नंबर करणिकी जात्री माने 149 नंबर को डायल करी रेल संपर्कित समस्त सूचना पाईपर। जात्री सुविधा लगी भिन्न भिन्न नंबर को एककृत कर गोटे हेल्पलाइन नंबर जारी कर 149 आपड़ कल करें। तेब ए सुरक्षा साधारण अभोग कैटरींग भिजिलांस आदि समस्त हेल्पलाइन नंबर को मिसाई गोटे नंबर एणिक हेल्पलाइन नंबर रे यात्री माने कॉल करी रेल संपर्कित समस्त सूचना पाईपर। हेल्पलाइन नंबर 149 विभिन्न भाषा रे उपलब्ध हो। नंबर 4, प्रति जिले में फुटबॉल क्रिकेट खेल कर बीजेडी। एणिकी गाँ गाँ में जमीब क्रिकेट आउ फुटबॉल टूर्नामेंट। ग्रामांचल क्रीड़ा प्रतिभा मानक मिल प्लाटफर्म घर क्षेत्र में नुहे बर पॉलिटिकल प्लाटफर्म हो प्रीमियर लीग जहार काली बिगुल बजाई लोगो उन्मोचन करी बीजेडी। मयूरभंजर आरंभ होगा विभिन्न जातीय स्तरीय लीग पाई काली बारिपदार लोगो उन्मोचन सहित चूड़ांत कार्यक्रम रूपरेखा स्पष्ट कर दल। पंचायत स्तर में खिलाड़ी मान चयन कर प्रत्येक ब्लक 8 लेखाएं फुटबॉल और क्रिकेट टीम गठन कर। राज्यर सबु जिले में 32 लेखाएं टीम चयन कर प्रीमियर लीग आयोजन कर बीजेडी। ए चयन प्रक्रिय दायित्व रे बीजेडी पक्षर निजुक्त होता पर्यवेक्षक मैंने। तेबे काले परीक्षामूलक भाव में यह कार्यक्रम को मयूरभंज जिलूर आरंभ करवर्त समय राज्यर अन्य जिला गुड़िकरिया। केवल क्रिकेट किंवा फुटबॉल नुहे विभिन्न जिलार लोकप्रिय खेल को कार्यक्रम सामिल बीजेडी निष्पत्ति। नंबर 5, 100 होइजिबो पेट्रोल। देश में पेट्रोल मूल्य सर्वकालीन रेकर्ड भांगी। तेबे शनिवार दिन पुणी पेट्रोल दर बढ़िया फल चलित मस अष्टम थर पर दर वृद्धि घोषणा कर पेट्रोल कंपनी माने। तेबे एबे पेट्रोल प्रति लिटर को 25 पैसा एवं डीजेल प्रति लिटर को 26 पैसा महंगा होनी। फल राजस्थान गंगानगर में पेट्रोल लिटर पिछा एवं 97.50 बिक्री होती। भोपाल प्रति लिटर को 93.56 बिक्री होता बेले मुंबई में प्रति लिटर को 92.28 बिक्री होती।
चलित बर्ष आरंभर तेल कंपनी मैंने दर वृद्धि करने आरंभ कर सारे तेज 23 दिन मध्य 8 थर मूल्य वृद्धि है। फल पेट्रोल प्रति लिटर को 100 टाँग पहुँचापी मात्र 25 टाँग बाकी अच्छे जहाँकि खूब शीघ्र टपी पारे। नंबर 6 पाइक विद्रोह पाई जनस्वार्थ मामला पुणी तेजिला प्रथम स्वाधीनता संग्राम दाबी सिपाही विद्रोह को प्रथम गण आंदोलन बोली घोषणा करने हाइकोर्ट रे एक जनस्वार्थ मामला दायर होइचे। हाइकोर्ट यह मामलें शुणाणी करी कहिचंती यह आम परिसरभुक्त नुहे यहाँ नहीं उपयुक्त फोरम दाबी करने परामर्श देखते कोर्ट। 1804-1817 पाइक विद्रोह होउचे प्रथम गण आंदोलन एने हाइकोर्ट रे एक जनस्वार्थ मामला दायर होइचे। ये होउचे सही मामला जे मामलें आवेदनकारी यहाँ प्रथम गण आंदोलन बोली दाबी करज दाबी सपक्ष में किसी ऐतिहासिक तथ्य मध्य कोर्ट को दर्शाई या सहित तो आवेदनकारी यह दर्शाई जे पाइक विद्रोह देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली घोषणा करने सहित तो यह पाठ्यपुस्तक सामिल करने दाबी कर। नंबर 7 जय श्रीराम शुणी रागिले दीदी नेताजी जयंती रे उद्बोधन देवाई मना कले ममता बनर्जी। शनिवार दिन कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल नेताजी जयंती अवसर में आयोजित स्वतंत्र उत्सव में पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोक मानू उद्बोधन देवाई सीधा सीधा मना कर उत्सव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित रही थे। ममता बनर्जी मंच उपरको उठवा मात्रे सेठे उपस्थित रही जनता मैंने जय श्रीराम नारा दे थे खप्पा हो ममता निजे उद्बोधन देवाई मना कर सहित से कहते कौन से दलय कार्यक्रम नुहे एहाको एपरी अपमान करिबा ठीक नुहे बोली ममता बनर्जी कहते नेताजी जयंती को नहीं एवं पश्चिमबंग राजनीति जोर धरी। नंबर 8 जनवरी 26 रे मीडिया को मना चलित बर्ष राजधानी रे साधारणतंत्र दिवस पालन हेबो किंतु एही समारोह को जाई परिबे नाही मीडिया माने कोरोना कटकणा पई सब मीडिया को बारण करा जायचे। सूचना ओ लोक संपर्क विभाग तरफ सब गणमाध्यम को फीड जोगाई दिया जे बोली कुहा जायचे। राज्य स्तरीय साधारणतंत्र समारोह रे राज्यपाल पताका उत्तोलन करने सहित प्यारेड रे अभिवादन ग्रहण करेंगे तेबे एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। नंबर 9 10 जिले में घन कोहड़ी सतर्क सूचना जारी ओडिशा रे 10 जिले में आसंता 2 दिन धरी घन कोहड़ी जारी रहिबो एने शनिवार दिन आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी। आईएमडी रे सूचना अनुसार आसंता 2 दिन पर्यंत भद्रक केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर खोर्धा पूरी कंधमाल अनुगुल कटक जिले में गोटे दुटी स्थान में घन कोहड़ी संभावना रही तेज यह जिलागुड़िक प्रबल मात्रा रे घन कोहड़ी हो पाए तेज आगामी 3-4 दिन मध्य उपकूलवर्ती जिलागुड़िक तापमात्रा 2-3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब अभ्यंतरण ओडिशा रे रातिर तापमात्रा 3-4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइब बोली पाणीपाग विभाग कहिछे। नंबर 10 किन्नर को सुरक्षा एवं थैथान करिया पाई निर्देश विभिन्न राज्य रे थिबा किन्नर मानकर सुरक्षा एवं थैथान प्रति दृष्टि देबा पाई निर्देश जारी होइचे। स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु एने राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित अंचल प्रशासन मानक निर्देश दिया जाइचे। 2019 किन्नर सुरक्षा अधिनियम धारा 18 अनुसार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिया पाई स्वराष्ट्र मंत्रालय कहिचे। किन्नरों पर अत्याचार करागले यही धारा अंतर्गत दोषी सब्यस्त होता व्यक्ति मान प्रति कठोर दंड विधान करने स्वराष्ट्र मंत्रालय गुरुत्वारोप कर। नंबर 11 लालू प्रसाद का अवस्था गुरुतर राष्ट्रीय जनता दल मुख्य लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होता सूचना मिली। चारा घोटाला मामलें सजा काटुवा लालू यादव वर्तमान समय रे रांची रिम्स भर्ती होती तेज स्वास्थ्य अवस्था उन्नति न आसवर तुम दिल्ली एम्स भर्ती कराई तेज सूचना अनुसार 8 सदस्य विशिष्ट डाक्तरी टीम स्वास्थ्यपाई गठन करन रोगर वरिष्ठ डाक्तर मैंने सामिल रही। नंबर 12 केबे खुला बाजार रे मिलिबो कोरोना टीका जरूरीकालीन टीका व्यवहार करने 2 टीका कंपनी को भारत सरकार अनुमति देवा परे 7 दिन मध्य देश में प्राय 14 लाख स्वास्थ्यकर्मी मान टीकाकरण करा प्रथम पर्याय 3 कोटी लोक मान टीका देवाई लक्ष्य रखिंट केन्द्र सरकार तेरे यह टीका खुला बजार में एबना जितिय गणमाम को केन्द्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते खुला बजार में टीका केबलब्ध हो समय निर्धारण कर सरकार केवल प्राथमिकता भितर टीकाकरण उपर गुरुत्व देउचंती आहुरी 7-8 मास समय लगिजिव केन्द्र स्वास्थ्य सचिव मंतव्य जमापड़ी कि आसंता 7-8 मास मध्य खुला बजार टीका मिलवा संभावना कम।
नंबर 13 स्वदेशी टीका संपूर्ण सुरक्षित कहिले मोदी। संपूर्ण सुरक्षित स्वदेशी टीका देशवासी को यही अभयवाणी शुणाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहते दुईट जाक टीका केवल भारत में नुहे भारत बाहर व्यवहार करा तबे यह टीकार कौन से पार्श्व प्रतिक्रिया ना आउ यह संपूर्ण सुरक्षित तेबे ए सब भितर सप्ताहक मध्यरे आउ 1,49,760 वैक्सीन डोज ओडिशा आसियो बोली परिवार कल्याण निर्देशक सूचना देइछंती। कोरोना विरोधी युद्ध जितिब भारत निजे व्यवहार करोची भारत दुईट टीका एवं विदेश को मध्य जोगाउची कोवैक्सीन हेउ किमा कोवाशील्ड यह संपूर्ण सुरक्षित बोली मोदी कहिछंती। नंबर 14 आज ठारु एकाम्रे पुष्प प्रदर्शनी। प्रतिवर्ष राजधानी भुवनेश्वर रे किछि किछि स्थान रे पुष्प प्रदर्शनी देखिया पे मिलिथाय। एहा सहित राजभवन उद्यान रे भी वर्षरे थरे खोला जायथाय। साधारण लोके राजभवन उद्यान बुलिबा सहित पुष्प प्रदर्शन देखिबार सुजोग पाइथांती। हेले कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी एथर राजभवन उद्यान बंद रहिछे फळरे राजधानीवासी एथर पुष्प प्रदर्शनी देखि पारिबे नाही बोली मनोउणा करथिले। तबे आज ठारु एकाम्र पुष्प प्रदर्शनी आरंभ होइचे। कोविड कटकणा को ध्यान रखी यह एकाम्र कानन दुई दिन धरी चलिबो। नंबर 15 आज पुणी भारत और चाइना मध्य आलोचना। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चाइना मध्य चलता सीमा विवाद को नहीं आज पुणी उभय देश मध्य कर्पस कमांडो स्तरीय आलोचना हेबो। उभय देश 9 थर पर सीमा विवाद उपरे आज आलोचना करने जाऊँच आज भारत छुसुल सीमार परवर्त दिगरे मेलोठाठारे यही आलोचना करा जिवो। शेष थर पर नवेम्बर 6 तारीख में उभय देश मध्य लद्दाखर छिलुसुठारे कर्पस कमांडो स्तरीय आलोचना होता। दीर्घ 6 मास हेलानी भारत और चाइना मध्य सीमा विवाद लागी रही है। सीमार उभय पार्श्वे दुई देश पक्षर हजार हजार सैनिक मुतयन रही। तेबे आज आलोचन यह किसी समाधान बाट बाहरी पारे। नंबर 16 तमिलनाडु निर्वाचन रे राहुल। कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी काली तमिलनाडु रे निर्वाचन प्रचार आरंभ करिसंती। आसंता मे मास रे तमिलनाडु रे विधानसभा निर्वाचन हेबा पई जाउचे तेणु कोयंबटूर रे काली रोड शो करी प्रचार रो शुभारंभ करिसंती राहुल। एही अवसर रे राहुल संबोधित करी प्रधानमंत्री को टार्गेट करिसंती। कहिसंती देशर युवक मानको चाकरी दिया जाय पारु नाही अर्थव्यवस्था संपूर्ण भुसुडी पडिचे देशर बैंकिंग सिस्टम उपरे 10 रु 15 जण उद्योगपति कब्जा करिसंती। अर्थव्यवस्थार विकास पर मोदी सरकार पदक्षेप ने सहित राहुल कहते प्रधानमंत्री के मनरे तमिल लोक मानी संस्कृति एवं भाषापी कौन सम्मान ना। नंबर 17 पश्चिमबंग निर्वाचन तारीख फेब्रुआरी रे। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन उपरे सारा देशर नजर रही। राजनीति खबर रे रुचि रखुवा लोक मैंने यही राज्यर विधानसभा निर्वाचन को बेस उत्सुकतार सहित अपेक्षा करहार विधानसभा निर्वाचन परे परे एबे सारा देश पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन को नहीं अपेक्षारत रही। समस्त चर्चा मध्य केन्द्रीय निर्वाचन आयोग खूब शीघ्र निर्वाचन तारीख घोषणा करिपारंती बोली चर्चा होउछि। तेबे फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह एने घोषणा करा जाई पारे बोली सूचना मिली। मे मास रे पश्चिमबंगे 10म और द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा होगा अच्छे यह दृष्टि रखी निर्वाचन करने नहीं केन्द्रीय निर्वाचन आयोग प्रस्तुति करुछंती। नंबर 18 देश में 4 राजधानी हेउ ममता। काली सुभाष बोस जयंती अवसर रे पदयात्रा आरंभ करथिले ममता बनर्जी। राली परे ममता निजर भाषण देइछंती एवं एथिरे भारत रे 4 राजधानी हेबा उचित बोली से कहिछंती एवं समय अनुसार राजधानी बदलिबार आवश्यकता रहिछे। इंग्रज माने कोलकाता रे रही सारा देश को शासन करथिले तेबे देश रे एबे गोटिए राजधानी काहिक बोली से प्रश्न करिछंती। नंबर 19 सस्ता हला विमान यात्रा। यात्री एयरलाइंस ऑफर आनी गो एयर सस्तार विमान सेवा आरंभ करिछे। यही ऑफर अनुसार जनवरी 22 तारीख रु यही ऑफर आरंभ होइछे। ऑफर अनुसार विमान टिकेट दाम 869 टंका रे आरंभ करिछे। जनवरी 22 तारीख रु यही ऑफर आरंभ होइछे जहाँकि मार्च 31 तारीख मध्य यात्रा अवधि मध्य ऑफर अनुसार बुक करिथिबा टिकेट रे प्रस्थान कले 3 दिन पूर्व टिकेट बदलाइले कौन शुल्क देवाई पड़े ना। सेल समय रे एप्रिल 1 तारीख ठार डिसेंबर 31 तारीख मध्य यात्रा करने को बुक होता टिकेट रे 14 दिन पूर्व टिकेट बदलाइले कौन शुल्क लगे ना। गो एयर वेबसाइट को जाई आपण यही ऑफर लाभ उठाई पारे। नंबर 20 भारत को प्रशंसा कला WHO
କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତର ଅବଦାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। WHOର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେଡ୍ରସ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାରତ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିବା ତେବେ କରୋନା ବିରୋଧର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। नंबर 21 बजेट्रे महंगा हेबो सामग्री। केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आसंता फेब्रुवारी 1 रे लोकसभा रे वर्ष 2021-22 साधारण बजेट आगत करेंगे। देशर अर्थनीति एबे एक कष्टकर समय दे गति करुथिबारु एही बजेट गुरुत्व बढ़ी जाइछि। अर्थनीति को पुणि थरे अभिवृद्धि पथकु फेराई आणिबा पई निर्मला सीतारमण केउ पदक्षेप नेउचंती ताहा उपरे एबे देशवासीक नजर रहिछि। एक जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार केन्द्र अर्थमंत्री प्राय 50 अधिक सामग्री उपरे आमदनी शुल्क 5-10% पर्यंत वृद्धि करि परंती। एही सब सामग्री मध्ये रहिछे केवल इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल उपकरण सामग्री। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन करिया पई एही पदक्षेप निया जाय पारे। नंबर 22 भारत को टीका मागिया पाकिस्तान को लाज लगुचे। भारत सरकार पाकिस्तान को COVID-19 टीका जोगाण करेंगे कि ना एने समस्त नजर रही। तेब एने केन्द्र सरकार पक्षर स्पष्टीकरण दि जाए पाकिस्तान एजावत टीका जोगाण कौन से अनुरोध आसीना बोली सरकार जनई। सुधा भारत निर्मित करोना टीका कोवाशील्ड को बांग्लादेश नेपाल म्यांमार भूटान एवं मालदीव आदि को जोगाण कर सारी। आफगानिस्तान और श्रीलंका पक्षर अनुरोध करा जिया परे यही दुई देश कोवाशील्ड जोगाई दिजाव भारत सरकार सूचना देते। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र अनुराग श्रीवास्तव एने सूचना देते कि पाकिस्तान पक्षर टीकापाई कौन से प्रकार अनुरोध करना पाकिस्तान पाखे टीका किणापी टाँ ना कि भारत को टीका मागे लाज लगुच। तो फ्रेंड्स ये थिला आज दिन भरी छोट बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ मुझको जनइली। आशा करुच्चे निश्चिंत आपके भिडियोटी पसंद आसोटी भिडियोटी पसंद आए भिडियोटी लाइक करेंगे भिडियोटी सांग सहित सेयार करेंगे। डेली डेली नुआ नुआ अपडेट पाइबापी आम चैनल स्माइल ओडिशा को सब्सक्राइब करा भूलें ना से विदाय दिंतु। जय हिंद नमस्कार।